खुफिया रिपोर्ट में दावा, पीएम मोदी की बांग्लादेश यात्रा में हिंसा की साजिश, कई लोगों पर केस दर्ज, शेख हसीना सरकार गिराने की थी योजना। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर गए। इस यात्रा से पहले और बाद में वहां हिंसा की कई घटनाएं हुई जिसमें कई लोग मारे भी गए। वहीं बांग्लादेश के खुफिया विभाग ने एक रिपोर्ट भी जारी की है जिसमें इस हिंसा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े कई खुलासे किए गए हैं। क्या कहती है रिपोर्ट? रिपोर्ट बताती है कि जमात इस्लाम के लोगों ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के मद्देनजर अपने 60% अनुयायियों को राजधानी ढाका में स्थानांतरित होने के लिए कहा था। इसके चलते इस्लामी क्षत्रिय संगठन जमात की महिला विंग और इस्लामिक शैडो संगठन के सदस्यों ने ढाका में प्रवेश किया था। बाहर से आने वाले कार्यकर्ताओं को 3 समूहों में बांटते हुए जमात के छात्र संघ अध्यक्ष शिविर सहित पहले समूह को मोदी विरोधी कार्यक्रमों में शामिल होना था। बांग्लादेश खुफिया महकमे की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि यदि आवश्यक हो तो कुछ गिरफ्तारियां की जाए। जमात के स्वाभावित वाली अचल संपत्ति, अस्पतालों और अन्य इमारतों की छानबीन कर इस संगठन के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद कर देने चाहिए। इस तरह रची गई साजिश। नतीजतन इस्लामी क्षत्रिय संगठन जमात की महिला विंग और इस्लामिक शैडो संगठन के सदस्यों ने ढाका में प्रवेश किया था। जमात इस्लामी के नेता और कार्यकर्ता जो ढाका के बाहर से आए थे उन्हें 3 समूहों में विभाजित किया गया था। खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि उनकी योजना के अनुसार जमात के छात्र संघ अध्यक्ष समेत समूह के लोग मोदी विरोधी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने थे। दूसरा समूह लेफ्ट शैडो संगठन के साथ मोदी विरोधी रैली में शामिल होना था, जबकि योजना के अनुसार तीसरा समूह हिफाजत के 6 इस्लामी राजनीतिक दलों के प्रदर्शन में शामिल होना था। कई लोगों पर केस दर्ज। रिपोर्ट में कहा गया है कि जमात इस्लामी की अचल संपत्ति, अस्पतालों, बीमा, मदरसों, इमारतों की छानबीन की जानी चाहिए। गौरतलब है कि बांग्लादेश में रविवार को हुई झड़पों के मामले में जमात और हिफाजत के 200 नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किए गए। उन पर पुलिस के काम में रुकावट डालने और उन पर हमला करने के आरोप हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को ढाका की बैतुल मुकर्रम नेशनल मस्जिद में झड़प के मामले में 600 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शेख हसीना सरकार को गिराने की योजना। खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि जमात हिफाजत और विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि जिस तरह से ये संगठन विरोध प्रदर्शनों को अंजाम दे रहे हैं उनके मकसद का स्पष्ट पता चलता है कि वो देश की शांति और प्रगति में बाधा चाहते हैं। सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने कहा है कि जिस तरह से वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो अनुचित है और उन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।